सभी नमस्कार, मैं हूं होम शेफ डीपी। हमारी चैनल डीपीज किचन वेज एंड वीगन में आप सबका दिल से स्वागत है। आज के हमारे एपिसोड में हम बना रहे हैं गुजराती भिंडानी कढ़ी, मतलब भिंडी कढ़ी या तो दही वाली भिंडी। गुजराती भिंडी कढ़ी के लिए हमें चाहिए एक कप कटी हुई भिंडी, एक कप दही, दो चम्मच बेसन, एक चम्मच शक्कर, जीरा, राय, अदरक मिर्ची पेस्ट, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हींग, बोरिया मर्चा, करी पत्ते और धनिया पत्ती। हमने पैन में दो बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है, उसमें अब राय और जीरा डाल के भून लेंगे। उसमें अब अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल के भून लेंगे। इसमें सारे मसाले डाल के भून लेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि हमारे मसाले जले ना। इसमें करी पत्ता डालेंगे, उसे भी भून लेंगे। बोर मिर्चा भी डाल देंगे। अब इसमें हमारी कटी हुई भिंडी डाल के मिक्स कर लेंगे। इसे ढकना नहीं है, ऐसे ही भून कर बनाना है। जब तक हमारी भिंडी आधी पक ना जाए तब तक इसे चलाते रहना है थोड़े थोड़े टाइम में और भूनते रहना है। बीच बीच में मिलाते रहना है ताकि मसाला जले ना। बस 2 मिनट और भी पकाएंगे और बाद में हम इसमें दही और बेसन का घोल मिलाएंगे। हमारी भिंडी रेडी है, अब हम इसमें दही और बेसन का घोल मिलाएंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल ही स्लो है। इसमें हम पानी मिला के डालेंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाना है, गुठलियां ना होनी चाहिए बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया कलर दिख रहा है। इसे हम अब उबालेंगे करीबन 3 से 4 मिनट तक। बीच बीच में ऐसे मिलाते रहना है। अगर आपको कढ़ी गाढ़ी लगे तो उसमें आप पानी भी डाल सकते हैं। कढ़ी की कंसिस्टेंसी ना तो बिल्कुल पतली और ना ही बिल्कुल मोटी होनी चाहिए। कढ़ी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। और धनिया पत्ता डाल देंगे और मिला लेंगे। कढ़ी अच्छे से उबल रही है, थोड़ी गाढ़ी बन रही है, हम उसमें थोड़ा पानी डाल के मिलाएंगे। हमारी कढ़ी अच्छे से उबल रही है, इसकी ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें।
बिल्कुल ही, हमारी कटी रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और सर्व कर देंगे। हमारी गुजराती भिंडी कड़ी रेडी है। हमने उसे धनिया पत्ती के साथ गार्निश करके सर्व किया है। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी या चावल के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं। जैसे हमने आज भिंडी कड़ी बनाई है, उसी की तरह हम मूली की कड़ी भी बना सकते हैं और कोई भी सब्जी की कड़ी बना सकते हैं। आलू की कड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस कड़ी को हम रोटी, पूरी, पराठा या चावल के साथ आराम से खा सकते हैं और बहुत ही स्वाद आता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में गुजराती भिंडानी कड़ी या तो भिंडी की कड़ी या भिंडी कड़ी या दही भिंडी की डिटेल में इंग्रेडिएंट्स और प्रोसीजर दिया है, आप जरूर बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट है। कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल सजेशंस और ओपिनियन जरूर लिखिएगा, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। हमारे एपिसोड संडे और थर्सडे को दोपहर को 2 बजे अपलोड होते हैं। हमारे फेस्टिवल स्पेशल के एपिसोड सुबह 10 बजे अपलोड होते हैं। जरूर देखिएगा, हमें प्रोत्साहित कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, सुखी रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।